हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 5 राज्यों की वैकेंसी निकाली गई है इन स्कूल्स की। आदर्श विद्यालय जो कि आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी, साथ में फ्री रेजिडेंस रहने की सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी। सभी विषय की वैकेंसी है, टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी निकाली गई है। कोई परीक्षा आपकी यहाँ पर नहीं होगी। उम्र यहां पर जो रखी गई है 25 से लेकर 55 साल तक के कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो 20 अक्टूबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। ऑल स्टेट जो है यहां पर अलाउ रहेंगे। भारत में किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि मेन वेबसाइट पर जारी हो गया है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के परिसरों में शैक्षणिक और सहयोगी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2023 को जो है ये विज्ञप्ति जारी हुई है। प्रतिष्ठान का नाम है महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। तो 5 राज्यों में जो है ये आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय। तो सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट और क्या क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ शैक्षणिक सेवा के जो है वो पद दिए गए हैं और आयु सीमा, प्रति माह वेतन क्या मिलेगा, ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। जिनको शास्त्र का जो है ज्ञान है, ठीक है, वेदों का ज्ञान है, क्वालिफिकेशन है, तो वो जो है स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। सब्जेक्ट जो है वो आप देख लें। सैलरी यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए 65,000 पर मंथ और न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 55 वर्ष जो है वो आयु रखी गई है। तो कुल इनके जो है वो 23 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक सहयोगी विषय जिनको आधुनिक विषय के नाम से हम जानते हैं, जैसे संस्कृत है, गणित है, अंग्रेजी है, सामान्य विज्ञान है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस और योग है। तो कुल जो है वो 24 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और सभी के लिए जो सैलरी है आप देख सकते हैं 45,000 सभी की सैलरी दिखाई गई है, ठीक है, और यही सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। न्यूनतम 25 वर्ष उम्र रखी गई है और अधिकतम 55 वर्ष। 25 से लेकर 55 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है, आपका सब्जेक्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग यहाँ आवेदन कर पाएंगे। गैर शैक्षणिक सेवाएं, तो इसके लिए सेवा का जो नाम है वार्डन है और दूसरा MTS है, ठीक है। संख्या प्रत्येक विद्यालय के लिए एक एक, कुल रिक्त स्थान जो है यहाँ पर 2, 3, 5 है, टोटल 5 है। आयु सीमा जो है वो 25 से 40 वर्ष है यहाँ पर, और प्रति माह अधिकतम मानदेय जो है वो 40,000 वार्डन को और 20,000 जो है वो MTS को, ठीक है। और जो है मुख्य बातें जो है वो क्या है, तो यहाँ पर जो शैक्षणिक सहयोगी विषय है उन्हें हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो संस्कृत का अध्यापक बनने के लिए जो आवश्यक योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय स्नातक स्तर में 55% मार्क्स होने चाहिए तथा संस्कृत विषय स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है अच्छे तरीके से जो है वो मांगी गई है, क्योंकि सैलरी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत या शास्त्र विषय शास्त्री में 55% तथा संस्कृत या शास्त्र विषय आचार्य में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और चाहिए BEd या फिर शिक्षा शास्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संस्कृत विषय के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की संस्कृत विषय में, और साथ में होना चाहिए BEd, ठीक है। उसके बाद जो है वांछनीय योग्यता में अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने संस्कृत भाषा में टेट किया है, कंप्यूटर या वेद गणित या किसी अन्य विषय को पढ़ाने की योग्यता है, या फिर जो है संस्कृत संभाषण, भगवत गीता, शब्द रूप, धातु रूप आदि सिखाने का अच्छा अनुभव है, या फिर संस्कृत संभाषण और सरल मानक संस्कृत में दक्षता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी जो है वो मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके संस्कृत, साथ में BEd। उसके बाद जो आधुनिक विषय हैं, गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस, तो इनको जो है अच्छे से आप देख लें। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप योग्य हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय यानी इन जो भी विषय यहाँ पर हैं, इनमें आपने स्नातकोत्तर, आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की हो,
आपके पास बीएड होना चाहिए, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत भाषा पढ़ी हो। ये यहाँ पर जो है आवश्यक योग्यताओं में रखा गया है और ये मांगा ही गया है, ठीक है। परसेंटेज का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है कि कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, बस यहाँ पर पीजी बीएड 10th 12th या ग्रेजुएशन में संस्कृत भाषा का अध्ययन। और अगर आपने जो है यहाँ पर टेट क्लियर किया है, कोई भी स्टेट टेट या फिर सी टेट, तो आपको यहाँ पर जो है प्राथमिकता मिलेगी। योग अध्यापक के लिए यहाँ पर कहा है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए योग में, सांख्य योग में, नेचुरोपैथी में या फिर योग विज्ञान विषय में। और बाकी जो है समस्त आसन, योग अध्यापक बनेंगे तो आसन प्राणायाम, ठीक है, इसमें जो है अभ्यास और पूर्ण कुशल आप होने चाहिए। गैर शैक्षणिक सेवाओं के लिए वार्डन के लिए कहा है कि वेद संस्कृत योग विषय के साथ स्नातक शास्त्री अथवा आचार्य या स्नातकोत्तर की उपाधि। सेकंड जो है यहाँ पर ये आवश्यक योग्यताएं हैं, बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मार्गदर्शन परामर्श विषय में प्रमाण पत्र, छात्रावास की गतिविधियों की जानकारी का अनुभव प्राप्त हो। किसी विद्यालय संस्था में वार्डन के रूप में 2 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। और साथ में लिखा है छात्रावास संबंधी मामलों की जानकारी का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए। एमटीएस के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं संस्कृत भाषा या फिर वेद के साथ उत्तीर्ण अथवा उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण हो, आउटसोर्स से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर दी गई थी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताई है। और ये जो है राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय वेद विद्यार्थियों के लिए क्या है, आवासीय विद्यालय हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी आवासीय विद्यालय हैं, और जो शिक्षक यहाँ पर रहेंगे तो उनको सैलरी के साथ में जो है यहाँ पर वो रहेंगे। और जो है क्या इम्पोर्टेंट है, अब देखिए ये जो विद्यालय खोले गए हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान चिंतामण गणेश मार्ग पोस्ट जवासिया उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा निकाली गई है। और जो स्कूल खोले गए हैं द्वारिका गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, पुरी ओडिशा में, श्रृंगेरी कर्नाटक में और गुवाहाटी असम में। 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों को वर्ष 2022-23 से संविदा के आधार पर स्थापित और संचालित किया जा रहा है, यानी बिल्कुल नए स्कूल खोले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो है वो आप ही कैंडिडेट होंगे अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ये सेवाएं जो है वो अभी स्टार्टिंग है, तो संविदा के आधार पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा और केवल जो है इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम डेट है वो 20/10/2023 रहेगी, यानी आप लोगों को जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसकी लास्ट डेट 20/10/2023 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे उसे, फॉर्म को भरने के बाद ऑनलाइन ही भरना है, उसके बाद डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकालनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्व प्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिष्ठान कार्यालय में 27/10/2023 तक जो है प्राप्त होना अनिवार्य है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो अलग है, 20 अक्टूबर 2023 तक आप भर लेंगे ऑनलाइन, उसके बाद जो है आप लोगों को भेजनी है 7 दिन के अंदर। ऑनलाइन आवेदन की लिंक यथाशीघ्र प्रतिष्ठान की वेबसाइट जो है, ये मेन वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध होगी। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है, बाकी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, इसे और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे आप, क्योंकि केवल 7 पेजों की ही पीडीएफ फाइल है। कहीं पर भी आवेदन करते हैं सबसे पहले जो है पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जो है आवेदन करें। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, ठीक है। ये मेन वेबसाइट जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त शासी संस्थान है। यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक तो पुराना नोटिफिकेशन उसे आप ना देखें, बिल्कुल फ्रेश जो नोटिफिकेशन है जो कि 4/10/2023 को आया है। उसके बाद आवेदन आप लोगों को कैसे करना है, तो ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से संबंध राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों के परिसर में शैक्षणिक सहयोगी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक सेवा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है वेद अध्यापक के लिए, तो आपको करना है आधुनिक अध्यापक। अगर आप संस्कृत, सामाजिक विषय, कंप्यूटर या फिर और भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये मॉडर्न टीचर जो है यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। वार्डन और एमटीएस के लिए गैर शैक्षणिक पद, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो 20 अक्टूबर तक आपको भर लेना है। ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन करना होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा, लॉगिन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उसे फिल करना है, डाउनलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में जो है दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है। ठीक है, काफी अच्छी जो है वो सैलरी यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं 45,000 सैलरी जो है बिना एग्जाम के यहाँ पर जो है आप लोग टीचर बन पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।